या धरती के चार दिशाएं काया भेद लखावे। काया की आकृति का भेद दिखाता है, कैसा भी जन्म मिल जा, सांड हो जाओ, भैंसा हो जाओ, हाथी हो जाओ, शेर हो जाओ, मनुष्य हो जाओ, चार दिन ताल ठोको, राम नाम सत्य। तो बिन से धरती, बिन से ये काया, तब जीव कहाँ समावे, तब ये जीव भला कहाँ शरण पाएगा। शरण जाने का एक ही तरीका, श्वास का भजन करो। श्वास सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द मेरा अच्छे, जब जियरा के कालगरा से, कौन नाम कही बाचे, वो शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। श्वास प्रश्वास का भजन करो, एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए, उस पर सचेत अवस्था में रहो, पल पल पर विचार करो। पूर्वजों पर पल सेकंड नहीं था, घड़ी ही थी। समय पर विचार करो, कहीं हमारा इसका समय व्यर्थ न चले जाए विषयों की बाह्य चिंतन में, और लगन शब्द में रखे। तुम भजन कर रहे हो उतने भगवान टोकेंगे, कब संकल्प तुम्हारा बिगड़ गया, लौट कब ठीक है, बोले लगे रहो। शब्द पर विचार करो, माताएं बच्चे की रक्षा करती हो, भूल कर सकती है, आगे में उस पार से आदमी चला गया लड़का, तो कोई बस नहीं चलता, क्यों, उसकी दृष्टि नहीं है। और भगवान एक ऐसे, कोई जगह ऐसी नहीं जाऊं उनकी दृष्टि न हो। करो सदा तिन के रखवारी, जिमी बार लकरा खई मैं तारी। श्वास सुमरो पल घड़ी पर, समय पर विचार करो, करते हुए श्वास में चिंतन में लगो, सचेत अवस्था में लगो। साथी तुम भजन नहीं कर सकते, बुद्धि में कहाँ क्षमता सही निर्णय कर ले, भगवान चाहते क्या है, कहते क्या है, वो शब्द क्या कह रहा, आदि शब्द आदि परमात्मा के द्वारा जो परसाए थे उधर से क्या आदेश मिल रहा है। लगन तुम्हारी शब्द में होनी चाहिए, समझते जाओ, आज्ञा पालन करते जाओ, भजन हो जाएगा। श्वास सुमिरे घड़ी बिचारी, लगन शब्द में राचे, तुम्हारी लगन शब्द में रची पची रहे, उसमें रंगी रहे सदैव सावधान से। कहीं आदेश समझने में अवहेलना न हो, समझ गया तो पालन करने में न हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो जब जियरा के कालगरा से, कौन नाम कही बाचे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। जब जीवात्मा को काल पकड़ेगा गर्दन, कौन ऐसा नाम है जिसकी आड़ लेके तुम बच जाओगे, वो है केवल प्रभु का नाम। और आदेश शब्द को समझो, पालन करते जो आदेश का पालन। अभ्यास करते करते श्वास प्रश्वास का चिंतन इतना उन्नत हो गया कि सत रस तम तीनों गुण कुटस्थ हो गए। एक तो त्रिकुटी भावों के मध्य भाग को कहते हैं, यहाँ ध्यान करना चाहिए। दूसरा त्रिकुटी सतरस्तम तीनों गुण कुटस्थ हो जाए, ने सात्विक तरंग उठे कि ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे भजन करो, ने राशि उठे, ये सिद्धियाँ मिलेगी, वो सिद्धियाँ मिलेगी, राशि वृत्ति मांग करती है, ने तामसी वृत्ति उठे, तामसी तरंग उठे,
चलो भजन फिर कर लेंगे यार अभी बहुत जिए का कल्पट रहना आलस्य निद्रा और प्रमाद जहाँ तीनों गुण कुटस्थ हुए ने भला उद्वेग उठता ने बुरा श्वास बांस की तरह खड़ी हो गई बिड़ती सिमट के श्वास में प्रवाहित समाहित हो गई श्वास तेल धरावत चलने लगी ओम ओम ओम। जिस क्षण कुटस्थ हुआ तीनों गुण उस क्षण मध्य ध्यान लग जाएगा तब तक पीछा तब तक तो नहीं लग सकता। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे अजपा जाप जपावे उस समय जाप धारावाही हो जाता है इसका नाम है अजपा अजप ए माने मत जप न जप हमने जप और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूत्र लगा दो धुनी अपने आप इनक दिनक धुनी अपने से उठे धुनी प्रसारित होती रहे। पहले बगैर भगाए भाग रहा था बगैर लगाए लग गया इसका नाम है अजपा अजपा जाप जपावे अजपा के प्रभाव से मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत समानी अंधार धुंध में बिनु जाने क्या जावे शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। सूरत समा गई अंधा धुंध में अखंड है अनंत है शाश्वत है जिसका नाम सदा रहने वाली शांति सदा रहने वाला जीवन है अविनाशी है सर्वज्ञ है मृत्यु से परे अमृत तत्व है काल से अतीत अकाल पुरुष है। उसको कबीर ने अपनी भाषा में कहा अंधा धुंध नाम रूप व्याख्या से परे सूरज जब उस अंधा धुंध में अखंड एक रस व्यापक परमात्मा में समा गई तो भगवान कैसे हैं वो जानने में आ जाएंगे आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे वो। सूरत समानी अधा धुंध में जहाँ सूरत उसमें समाई तो प्रकृति तो पीछे छूट गई भगवान शेष बच रहा नहीं समझोगे तब भी समझना पड़ेगा नहीं जानोगे तब भी जानना पड़ेगा दूसरा कोई बचा भी तो नहीं तो बिनु जाने क्या जावे बगैर जाने क्या भाग रहा पीठ दिखा के कर भजन लेकिन ये साधुता मिलेगी कहाँ से सदगुरु से साधु वही जो सेवा सदगुरु पावे बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वे गुफा लखावे वो शब्द सो प्रीति करे सोई पावे प्रीति करे सोई पावे। साधु वही है दुनिया में जो सेवा को जीत ले देश सेवा माया सेवा साहब की सेवा सेवाओं के तो तमाम नाम है जिधर देखो उधर ही सेवा जो सेवा सदगुरु पावे जो सदगुरु की सेवा मिल जाए तो सेवा गाजर मुरे ही नहीं है वो भी बड़ा कठिन काम है। चार दिन सेवा करते हैं चार अक्षर सीख लेते हैं दस आदमी प्रणाम करने लगे तो आशीर्वाद देने लगे थे साहब माया उठा के पटक देती उसका तो भूल ही नहीं है वो बौरा गया उसको बौरा ही जाना चाहिए उसने कोई गलती नहीं की। तो साधु वही जो
सेवा जीते, किसकी सेवा, जो सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। उस गुरु के ऊपर मैं अपने आप को बलि चढ़ाता हूँ, न्योछावर करता हूँ, जो वह गुफा लखावे, जहाँ से भगवान आत्मा से जागृत होकर शब्द प्रसारित करते हैं, उस गुफा को लखा दे, भजन जागृत कर दे। भजन एक जागृति है, न ही कलम से लिखने में आता है, न ही वाणी से कहने में आता है, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। जहाँ से शब्द जागृत प्रसारित होता है वो गुफा लखा दे। मैं जो कह रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा, न किताब में मिलेगा, न भागवत में, न कहीं। जो कुछ कहूँ अकेसे न्यारा, ताही देख लो लावे, कहत कबीर यही गति के योगी, बहुरिन भव जल आवे। जो कुछ कह रहा हूँ, साधु जो सेवा जीते, जो सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वे सतगुरु की, जो वे गुफा लखावे, स्वसा का सुमरण करे। जो कुछ भजन में हमने कहा वे सच नहीं है, कहने में नहीं आ रहा, मन में सोच के रह जाता हूँ, व्यक्त करते नहीं बन रहा है, वो भी सत्य नहीं है। जो कुछ कहूँ और जो कहने में नहीं आ रहा, अकह जो कहने में नहीं आ रहा, अकैसे न्यारा, तब हम कैसे समझेंगे। ताही देख लव लावे, वो एक प्रत्यक्ष दर्शन है, भगवान ही आप में दृष्टि बन के प्रसारित हो जाएंगे सामने स्वयं, तब समझ में आता है। हाँ, इसकी जागृति निम्नतम सीमा है, फिर मध्य है, प्राप्ति काल में संपूर्ण जानकारी, ये प्रश्न अलग। ये कहता हूँ वो नहीं, कहने में नहीं आता, विचार करके रह जाता हूँ, वो भी नहीं, वो प्रत्यक्ष दर्शन है। ताही देखी लो लावे, कहत कबीर यही गति के योगी, बहुरिन भव जल आवे। इस रहनी, इस प्राप्ति वाले, इस पकड़ वाले योगी लौट के भव जल में, भव सागर में, आवागमन में कभी नहीं आते। हमको करना क्या है, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। दो यादव थे सगे भाई, मिलिट्री में जाके बढ़ती हुई अच्छा काम किया, तो एक हो गया मेजर, दूसरा हो गया सुबेदार साहब। एक साथ छुट्टी में आए, पड़ोस में ठाकुर साहब का ही रावला था घर, ठाकुर साहब का शरीर छूट गया, एक वर्ष बीमार रह के शरीर जब ठठरी हो गया, सेवा करते करते जब बस नहीं चला तब शरीर छूट गया, तो सुबेदार मेजर बड़ा भाई बोला, बाबू साहब का बड़ा बर्दहस्त रहा हम लोगों के ऊपर, परिवार पर, मैं जाता हूँ सांत्वना देने। तो छोटका भाई बोला, नहीं नहीं भैया, सांत्वना देने मैं जाता हूँ। पहुँचा तो देखा ठाकुर साहब की ठठरी रही अस्थि पंजर मात्र, तो सांत्वना देते हुए बोला, क्या इस टेढ़ी के लिए आंसू बहाते हो, एक से एक जवान गजभर छाती वालों को हम मिलिट्री में हंसते हंसते विदा कर देते हैं,
क्या इतनी टेढ़ी के लिए रोवत रोवत हो, खाओ पियो मौज करो फूक दो। सांत्वना दिया चला गया, तेरे ही बीत गए। तो बाबू साहब के दूसरे भाई ने कहा करे तो हर भाई का तो लंठ का लंठ है, ऐसे बोल दिया। बाबू साहब बड़ा मूर्ख है, मैं जानता था कि मूर्खों के तनिको बुद्धि नहीं है। क्षमा करें बाबू साहब, वास्तव में उसके पास बुद्धि नहीं है। अरे मैं जा रहा था तो हट करके बोले, नहीं सांत्वना देने मैं जाऊंगा, क्षमा करें बाबू साहब, आप चिंता नहीं करें, जब आपका एकवा भाईवा मरी ना तब मैं सांत्वना देने आऊंगा, तब देखना सांत्वना कैसे दी जाती है। बोले तू और से ज्यादा बुद्धिमान है। तब भैया यहाँ बुद्धिमानों की तो कतार लगी है कुंभ में, अब तो अपन बुद्धि से काम लो। ले भगवान मन बुद्धि से परे है, और भजन एक जागृति है सदगुरुओं से है, और से कह तो ले लो ना, नहीं तो बुद्धिमानी से तो सांत्वना ही देते रह जाइ हो और कोई शांति नहीं पाएगा। एक दर्जी लॉटरी पा गया 10 लाख की, और संयोग से लॉटरी का कागज मिल गया था टेलर मास्टराइन साहब को। टेलर मास्टराइन घबरा गई, हमारे टेलर मास्टर साहब को हार्ट अटैक की बीमारी है, 10 लाख बहुत होता है, सुनते ही झटका लगे कहीं मरने जाए। ये लॉटरी का मिली हमारे, हमें विधवा होना पड़ेगा क्या? घबरा के गई पंडित जी के पास, पंडित जी 10 लाख लॉटरी मिली है, वो हार्ट के मरीज कहीं मरने जाए कि हाय करके इतना पैसा, कोई ऐसा उपाय कर दो कि हजम हो जाए पैसा, प्राण भी बच जाए। पंडित जी बोले ये कौन ही बड़ी बात है, महामृत्युंजय का जप कर दूंगा मौत भाग जाएगी, और हनुमान शतक पढ़ दूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पैसा भी हजम होगा प्राण भी बचेंगे। तुरंत 300 रुपया निकाल के एडवांस फीस दिया, पंडित जी खुशी खुशी चले आए। वहाँ पहुँचे तो विचार में पड़ गए, क्या करूँ, मंत्र में तो दम था नहीं। अच्छा सहते हुए थोड़ा थोड़ा बताऊँ, बोले तेरे मास्टर तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें 5 लाख रुपया लॉटरी मिली है। वो दर्जी बड़ा मन मौजी था, बोले अरे पंडित जी बैठे बैठे फोकट में दी 5 लाख हमें मिला है, तो 2.5 लाख हमने आपको दिया, पंडित के हार्ट अटैक हो गए। बोले अरे बाप रे, ये पता होता तो हम 10 लाख कहते तो 5 मिले, गए थे जिया में खुदे ढेर हो गए। तो परे उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नरन भले रे। अमृत तो देने का ठेका तो सभी लेते हैं, लेना भी चाहिए, हम सराहना करते हैं, लेकिन साधु वही जो सेवा जीते, जो सेवा सदगुरु पावे, ओ बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे शब्द सो प्रीति करई सोई पावे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।